महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़। गढ़चिरौली जिले के भामरगढ़ तहसील में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली जिले के भामरगढ़ तहसील में मुठभेड़ हुई है। 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 1 पुलिस जवान के घायल होने की भी सूचना है। नक्सलियों को बड़ी क्षति पहुंचने की खबर मिल रही है। नक्सल विरोधी विशेष दस्ता मौके के लिए रवाना हो गया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन एंटी नक्सल चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि नक्सली मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली जिले के भामरगढ़ तहसील में यह मुठभेड़ हुई है। लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर आई है। 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही है। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यह भी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में जवानों को सफलता मिली है। यहां पर 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी लोग वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण करने आए हैं। दरबा डिवीजन के मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे ये सभी नक्सली। कई नक्सली वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। अब इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई सरकार भी लड़ रही है। आत्मसमर्पण नीति के तहत इन नक्सलियों ने अपने आप को सरेंडर किया है। तो इन दोनों बड़ी खबरों पर संजय ठाकुर हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गया। संजय, ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ नक्सली के साथ मुठभेड़ भी चल रही है, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ 2 इनामी नक्सली हैं, 3 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो बहुत अच्छी खबर है, सुखद संकेत है। भारत क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुठभेड़ है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले आप इसी की चर्चा कर रहे थे। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पे जो अभूजमाड़ का जंगल मौजूद है, जो अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी नक्सलवाद के खिलाफ, वो इन्हीं जंगलों में लड़ी जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को ही सबसे अहम माना जा रहा है। और केंद्र का भी सबसे बड़ा फोकस जो है वो इन्हीं दोनों राज्य पे है। अभी अमित शाह ने जो बैठक की थी उसमें दोनों राज्यों के DGP को और साथ ही जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि नक्सली जो है वो अंतिम पनाहगाह के तौर पे अभूजमाड़ को ही चुनेंगे। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा था लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुए हैं, दबाव बढ़ा है। ऐसे में नक्सली अभूजमाड़ के जंगलों में पीछे हट रहे हैं। ये जो आज मुठभेड़ हुई है ये भामरागढ़ इलाके में हुई है। ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है, बीजापुर जिले से लगा हुआ इलाका है। और इंद्रावती नदी जो है वो यहाँ दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती है। बिल्कुल उस सीमा से लगा हुआ इलाका है जहाँ ये मुठभेड़ हो रही है। नक्सली अक्सर इस इलाके को जो है सेफ जोन के तौर पर अपनाते थे। जब भी नक्सली छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी वारदात करते थे तो नदी पार कर वो महाराष्ट्र चले जाते। जारी है क्योंकि वहां पर जो नक्सल विरोधी दस्ता है वो वहां पहुंच रहा है। क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है वहां पर? वहां से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल भारत, बहुत ही शुरुआती भी जानकारी है। यह मुठभेड़ अभी चल रही है। C-60 जो वहाँ पे विशेष तौर पे एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, बहुत ही प्रभावी दस्ता है, बहुत बड़े बड़े नक्सल ऑपरेशन कर चुका है। उस C-60 दस्ते को भी भेजा गया है इस इलाके में। हाँ। और अभी जो जानकारी आ रही है उसमें 3 से 4 नक्सली के मारे जाने की सूचना है। कई बड़े नक्सली कमांडरों के वहां होने की सूचना है। साथ ही जो कमलेश, जो पिछले बार जो सबसे बड़ा इनकाउंटर है दंतेवाड़ा में जो बच गया था, हाँ। उसकी भी यही होने की सूचना मिल रही है। क्योंकि जो नक्सली घायल थे उनके इलाज के लिए पनाहगाह ढूंढ रहे थे नक्सली। ऐसे में इस मुठभेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है, जवान जंगलों के अंदर है। यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि एक बड़ी मुठभेड़ जो है वो इस इलाके में चल रही है, जिसमें एक बड़ी सफलता फोर्स को मिल सकती है। बिल्कुल, अक्सर हम देखते भी हैं जब मुठभेड़ की खबर आती है तो प्रथम दृष्टया तो संख्या बहुत छोटी होती है, लेकिन बाद में जब संख्या निकलकर सामने आती है तो बहुत बड़ी क्षति जो है नक्सलियों को पहुंचा रहे हैं हमारे सुरक्षा जवान। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा संजय, जो भी जानकारी होगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।